तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर में टाइप करें यहाँ पर पेंसिल स्केच, पेंसिल स्केच फोटो एडिटर देखिए। उसके बाद हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए अपडेट का आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अब ये डाउनलोड हो चुका है, तो ओपन पर क्लिक करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। तो देखिए हमें गैलरी पे जाना है, पहले गैलरी से यहाँ आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हो, तो मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस यहाँ से ये दे रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके अपनी फ़ोटो को बदल सकते हैं। देखिए जो भी आपको पसंद आए वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें पसंद आए वो आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद मुझे ये जैसे पसंद है, उसके बाद मैं डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं अगर इसे अपने फ़ोन में सेव करना चाहता हूँ, मैं सेव पर क्लिक करूँगा, तो ये हमारे गैलरी में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, गैलरी पर आइए। गैलरी पर आने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये गैलरी में सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो इस तरह आप पेंसिल का अपनी फ़ोटो का एक पेंसिल स्केच बना सकते हैं।